हेलो एवरीवन, क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? असर्शन में दिया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, है ना, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है एक सेल में ऑन्ड इन अ जर्म सेल, है ना, और जर्म सेल में जो होता है जिसको सेक्स सेल जो हम लोग बोलते हैं इज नॉट द सेम इन एनी स्पीसीज, तो वो सेम नहीं होता किसी भी स्पीसीज में। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट इसने यहां पर दिया है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एक सेल्स का और जो जर्म सेल्स होता है वो कभी भी सेम नहीं होता किसी भी स्पीसीज के लिए, अगर हम लोग बात करें तो। अब यहां पर तुम्हें सिंपल फॉर्म में देखना पड़ेगा कि एक सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके लिए तुम्हें जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग सिंपल फॉर्म में देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ह्यूमंस का ही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अगर कोई एक ह्यूमन है, कुछ इस टाइप का ह्यूमन है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन होगा, एक तो फॉर्मेशन होगा स्पर्म से और दूसरा है ओवम है, है ना, स्पर्म आता है फादर से और ओवम का फॉर्मेशन होता है दैट इज मदर से, ठीक है। तो इस बेसिस पे दोनों के पास टोटल कितने होते हैं, मदर के पास होते हैं 46 क्रोमोसोम्स और फादर के पास भी होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, बट वो इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि जो जायगोट जब वो फॉर्मेशन होने वाला रहेगा तो वैसे केसेस में उनके पास 23 23 दोनों साइड जाएगा, यानी कि 23 आएगा फादर से और 23 क्रोमोसोम्स आएगा मदर से। इसीलिए तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि जो नया जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है ना, वैसे केसेस में उसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर का होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर का होता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि 23 क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से आया है और 23 क्रोमोसोम्स कहां से आया, मदर से आया हुआ है। तो वैसे केसेस में ये है तुम्हारा नॉर्मल सेल, है ना, 46 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल सेल। लेकिन जब अगर तुम देखो तो जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये नंबर जो है वो हाफ हो जा रहा है, क्योंकि अगर 46 अगर सारा का सारा फादर से आ जाता, 46 कंप्लीटली मदर से आ जाता, तो फिर वो ह्यूमन ही कहाँ रहता, है ना, फिर वो राक्षस वाक्षस या कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर उसका बन जाता है ना, इसीलिए वो जो होता है हाफ हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, है ना, क्योंकि मियोसिस के केस में जो जर्म सेल्स होते हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, उसका नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, है ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तो ये किसी भी स्पीशीज में ले लो, चाहे आप बर्ड्स में ले लो, चाहे आप ह्यूमंस में ले लो, या एनिमल्स में ले लो, है ना, या छोटे छोटे स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, कहीं भी देखोगे कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है नए जायगोट का, नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसे केसेस में वो जो नंबर होता है, जो नॉर्मल सेल्स का क्रोमोसोम्स होता है, उसका नंबर कंप्लीटली हाफ हो जाता है। तो एजम्पशन तो हमारा कंप्लीटली सही है। रीजन देखते हैं, इसका रीजन क्या दिया है, व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पीसीज। बात तो सही कर रहा है कि जब हमारा क्या होता है, दो जर्म सेल कंबाइन करता है, जैसे ह्यूमन में ही क्या होता है 23 23, है ना, 23 23 23 मदर से 23 फादर से, तो एक्चुअल में ये नंबर कितना हुआ, 46 ही तो हुआ, दोनों कंबाइन करके कितना हुआ, 46 हुआ, और 46 तो ही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हमें देखने को मिलता है। तो खटाखट चाइल्ड डिविजन होता है और फिर एक वही जो जायगोट है वो कंप्लीटली एक ह्यूमंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रीजन भी तो हमारा एकदम सही दिया है, रीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब दो जर्म सेल कंबाइन करता है तो वो रिस्टोर कर लेता है नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलता है। तो हमारा एसर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, दोनों में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा। बट अब आता है ए होगा या बी होगा, यानी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल भी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एसर्शन में हमें जो दिया गया है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में होता है और जर्म सेल में होता है वो सेम नहीं होता है। ये अगर इसका हमें रीजन बताना होता तो रीजन हम लोग बताते मायोसिस और माइटोसिस के बेसिस पे, बट यहां तो रीजन हमारा अलग ही दिया है। जैसे मियोसिस, तुम्हें जानता है कि मियोसिस जो होता है वो एक टाइप का सेक्स सेल होता है, एक टाइप का जर्म सेल होता है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। और एक प्रोसेस होता है तुम्हारा माइटोसिस, सेल डिविजन का ही ये दो पार्ट है, है ना। तो माइटोसिस होता है जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में देखने को मिलता है, है ना, जो नॉर्मल, जैसे अगर आपका सेम हो गया, जैसे 46 ह्यूमन में होता है, ठीक है,
46 ह्यूमन में होता है। तो अगर माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो उस केसेस में जो नंबर होगा क्रोमोसोम्स का वो सेम रहेगा, यानी कि अगर एक ह्यूमन है 46 तो बाद में भी वो कितना होगा 46 ही होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में हमें देखने को मिलता है जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है सेम होता है। तो उसके बेसिस पे हमें बताना चाहिए था, बट यहाँ तो रीजन तो है कुछ और बात कर रहा है, एसोसिएशन कुछ और बात कर रहा है, हालांकि दोनों है सही बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस बेसिस पे हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 भी तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।